हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त, सब फर्स्ट क्लास। तो आओ, अभी तो जस्ट जस्ट पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर रहे थे अपन लोग, पढ़े थे जस्ट पिछले में, क्या पढ़े थे? लॉगरिथमिक के इनइक्वेलिटी के बारे में, कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, लॉगरिथमिक कुछ इनइक्वेलिटी सॉल्व कर रहे थे। तो अभी हम क्लास 11th के लिए जो पढ़ रहे हैं, और इस पार्ट के लिए जितना अभी हम पढ़े हैं ये अपने को सफिशियंट है। अब इसमें हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, अगर हम पीएचडी आपको करवाएंगे तो लंबा टाइम खींचेगा, अननेसेसरी आपको फील गुड आएगा। होता है कि दो तरह की चीज होती है, गुड गुड मतलब फील गुड का कि एक अच्छा आपको अनुभव लगे, अच्छा लगेगा कि आप सवाल सॉल्व करते जा रहे हैं और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं कुछ एक सवाल और आपको दिखा करा देता हूं इसके ऊपर, उसके बाद से हम अगले अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, बढ़ेंगे। तो एक दो सवाल और रिवीजन के तौर पे हम कर लेते हैं, जस्ट पिछला लेक्चर का रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। रिवीजन आपका रहेगा ये, क्या है आपका सवाल? जैसे लाइक मान लो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड एक्स सच दैट वो कुछ एक सेटिस्फाई करने वाला एक्स दे दिया कि log base 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, log एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, मान लो मैंने लिख दिया माइनस में, मैंने लिख दिया आपका 8, लेस देन आपका लिख दिया कि जीरो ही लिख दिया कि लेस देन जीरो। इस केस में हमको बताना है एक्स बताना है। देखो ये सवाल अपने आप में दो पार्ट में बटा हुआ है, मैंने बताया हुआ है, बता रखा है मैंने कि कैसे दो पार्ट में बटा हुआ है। भाई कैसे दो पार्ट बटा हुआ है? एक तो अपने को वो एक्स फाइंड करना है जिसके लिए कि लॉग क्या करे, जिंदा रहे, क्या करे, जिंदा रहे। तो पहला वाला एक्स आपको वो निकालना है जो एक्स जिंदा रहे, दूसरा वाला एक्स कौन सा ढूंढना है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। बात पकड़ में आई? बोलो हाँ। तो अच्छा, नेक्स्ट बात बोलते हैं कि पहले तो लॉग के जिंदा रहने की, लॉग के जिंदा रहने की कंडीशन क्या रहेगा, रहने की कंडीशन क्या बन जाएगी कंडीशन? वो तो आपने पढ़ा होगा कि लॉग बेस ए एन के लिए मैंने तीन बातें बता रखा था कि पहला एन शुड बी पॉजिटिव, दूसरा एक शुड बी पॉजिटिव, तीसरा ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो लेट्स यूज दिस वन, एंड इफ वी सी हेयर एन इज जस्ट अ नंबर, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड इफ यू फैक्टराइज दिस वन बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। क्या अभी तक सही है? क्या मैं अभी तक पूरी तरह से सही हूं? अगर आपका आपको समझ आ रहा है कि सही हूं तो यहां से मैं कॉमन करूंगा कुछ ना कुछ। तो कॉमन करने के बाद बोलोगे सर पिछले लेक्चर्स में तो आप इतना ओपन नहीं कर रहे थे। चलो कभी कभी मन ही है भाई, मन है, कभी कभी मन कर दिया कि ओपन कर दिया, किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए तो क्या बुरा है। तो अगर आपका एक्स माइनस 4x प्लस 4 हो गया, यहां से नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ किया, ये वाली जो एक्स है वो 4 दिया और जो ये वाला एक्स है, ये वाला जो ब्रैकेट है वो 2 दिया, यहाँ पे हमने लगाया आपका 2, ये माइनस 2 दिया, सॉरी बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, ये 4 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये देखो प्लस माइनस प्लस, देखो ये आ गया, यहाँ से x की वैल्यू अपनी आई माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। लेकिन क्या यही अपना आंसर होगा? आपका होगा नहीं सर, ये तो वो जगह है जहां पे लॉग जिंदा रहेगा। ये कौन सी जगह है जहां पे लॉग जिंदा रहेगा? लेकिन हमको क्या फाइंड करना है? हमको तो सर लॉग को जिंदा भी रखना है और उसकी कुछ वैल्यू भी बतानी है कि इसके लिए कब इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। अरे बात समझ में? अरे लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव, क्या निगेटिव? तो क्या हो जाएगा इसका? लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लेस देन 0। इसको काटा, हमने कहा था कि बेस चेक कर लेना बच्चों, बेस 3 1 से बड़ा, तो लॉग हटाते समय इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अरे याद करो। तो ये आपका कटा, ये इधर गया 3 को, उसको ऊपर किया, उसका बोझ सर पे लिया, सर पे लेने से खुद बन गया 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 मतलब किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या हो जाता है? 1। क्या हो जाता है? 1। तो आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहा हूंगा तो बता देना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और इधर आके बन गया ये 9 - 9 लेस देन 0। अब आप कहोगे सर हम फैक्टराइज करने की तो सोच रहे हैं, बिल्कुल फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है सर, कैसे फिर आगे क्या किया जाए। तो बेटा क्लास टेंथ में क्यों पढ़े हो फिर, क्लास टेंथ में पढ़ा होगा कि जब हम फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो क्या ढूंढते हैं, उसको बाबा को याद करते हैं, आंख बंद करते हैं, बाबा को पुकारते हैं, बाबा आते हैं, बाबा बताते हैं कि बच्चे यहां देखो एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं अभी, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9 अपॉन 2a, तो 2 हो जाएगा। x प्लस माइनस ये तो 2 प्लस माइनस 4 बाहर आ गया तो 2 बच गया, और अंडर रूट में 9 प्लस 1 10 हो गया, 2 से 2 कटा, क्या हो गया x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 10। अब जरा देखो बच्चों, इतने के बाद से क्या, अब इसके बाद से फिर अपने को तो ढूंढना ही है ना, अभी तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर वाला मैं पार्ट हटा दिया, और जरा देखो x की वैल्यू निकालना है तो हम इसको नंबर लाइन पे लगा दिए, क्या लगा दिए, एक आपका कहीं 1 - √10 होगा और एक कहीं 1 + √10 होगा। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस, ये जरा देखो तो अपने को इधर देखो, यहाँ पे एक बार देखो तो क्या है, अपने को एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 9 लेस देन 0 में क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 यानी निगेटिव वाला चाहिए था, तो यहां से कौन वाला ढूंढेंगे अपन लोग, निगेटिव वाला, आ जाओ इधर देखो, आओ तो देखो तो निगेटिव यहां से कहां तक है, तो ये है निगेटिव वाला माइनस रूट 10। देखो कहोगे सर आपको कैसे पता कि ये छोटा नंबर है, तो भाई क्लियरली तो एक तो एक क्लास वन का बच्चा ही बता देगा कि हाँ सर ये छोटा है। तो ये हो गया आपका, एक ये वैल्यू आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। मैंने कहा था जितने सब एक्स आएंगे सबको क्या करना है, अपने को क्या लेना है, सबका इंटरसेक्शन। आओ इंटरसेक्शन लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, नाउ वी विल टेक इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के लिए सॉरी यहां पे मैंने गलती कर दी, यहां पे लिखा था माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, आप याद करो तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, नंबर लाइन फिर से खींचा, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एक है माइनस इनफाइनाइट से 2 यहां कहीं और यहां कहीं 4, तो एक है माइनस 4 से लेके इनफाइनाइट तक और एक माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक। देखो फिर से बोल रहा हूं, शायद हमसे गलती हो सकती है कैलकुलेशन के समय में, बट आप कोशिश करना कि गलती ना हो, वैसे गलती हो नहीं रही है, मैं भी देखो मैं एक आदमी हूं, कोई मशीन तो हूं नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट मशीन से भी गलती हो जा रही है, बट फिर भी आप कोशिश करना कि कहीं ये इसको वैल्यू निकालने में या रखने में कहीं पे कोई छोटी मिस्टेक भी हो सकती है, बट अपने से देखो अपन लोग जरा यहां देखते हैं ध्यान से, अगर हम आपसे ये कहें कि इसकी वैल्यू एक्जेक्टली कितनी है, तो देखो रूट 10 का मतलब होता है कुछ कुछ मान लेते हैं कि माइनस में 3.19 के आसपास होगा या 13 या 13 के आसपास होगा, कुछ ऐसा हमने मान लिया, कि आपको भी लग रहा हो कि 9 होता तो 3 निकल के आता, 10 है तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ये प्लस 1 और ये भी 3.13 + 1, और जब देखो इसमें से घटाया तो -2.13 आएगा और इसको जोड़ा तो 4.13 आएगा, मतलब कि ये है कि अगर मुझसे कोई कहेगा कि इन दोनों का नंबर लाइन पर रखो, तो यहां कहीं मैं रखूंगा इस जगह पे -√10 + 1 को, और 4 से बड़े वाले जगह पे रखूंगा यहां कहीं √10 + 1 को, और ये कहा है कि ये वाली बात कही है कि ये आपका यहां से यहां तक है। बोलो अपने पास सिर्फ दो ही सेट था इस बार, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक इंटरसेक्शन है और एक यहां से लेके यहां तक इंटरसेक्शन है, तो क्या इंटरसेक्शन आ गया बच्चों, अब बस आंसर लिखने की जरूरत है, इंटरसेक्शन, और यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। फिजिक्स में पढ़ा होगा तो इंटरसेक्शन कुछ लाइक एंड गेट की तरह काम करता है, तो यह हो जाएगा आपका -√10 + 1 - 2 यूनियन 4 - √10 + 1 तक, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बीच का अगर आप एक्स लेते हो तो ये वाला एक्स, ये वाला लॉग जिंदा भी रहेगा और इसकी वैल्यू निगेटिव भी रहेगी, बात समझ में आ गई,
इसकी पूरे की वैल्यू निगेटिव ही रहेगी। यही पूरा इसका फंडामेंटल है। लॉग पे सवाल हम करते रहेंगे, अभी बहुत बार हमको मौका मिलेगा, करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम आज ही पूरा सीख ले, हमको बेसिक बस सीखना है कि हाँ इसका बेसिक क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब है हम कुछ मॉडुलस इनइक्वालिटी और मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मॉडुलस के बाद थोड़ा सा लिस्ट, थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा सा फ्रैक्शनल, बाकी ये सब पार्ट अपने क्लास 12th का है, तो इतना यहाँ पे रिसर्च नहीं करेंगे, यहाँ पे बस बेसिक उसका सीखेंगे, ताकि थ्रू आउट 11th अपने को कोई दिक्कत ना हो। आज अपना पढ़ते हैं, अब क्लास मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि अब पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटी, मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। तो आप अभी क्लास में फिर से दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ये सिर्फ हम क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम रिसर्च करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ उतना ही सीखेंगे मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में जितने अपने ओवरऑल क्लास 11th में जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या कि मॉडुलस को ओपन करना, मॉडुलस कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा, कब ओपन करेंगे और कब उसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, इतना ही यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे हम मॉडुलस का जैसे डोमेन होता है, रेंज होता है मॉडुलस का, और अन्य फंक्शंस में यूज होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने के बजाय हम क्लास 12th के पहला चैप्टर फंक्शन में पढ़ेंगे। तो इसलिए अपन लोग यहाँ पे क्लास 11th की जितनी जरूरी चीजें हैं वही हम बेसिक मैथ में पढ़ रहे हैं, और अभी भी बेसिक मैथ ही चल रहा है। तो आओ हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। पहला तो पहली अगर इसकी हम बात लिखें तो पहले मॉडुलस का जो नाम होता है इसका कई सारे नाम होते हैं, जैसे एक हो गया मॉडुलस, तो एक तो खुद मॉडुलस हो गया, इसको कई बार एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, कई बार इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं, डिस्टेंस भी बोलते हैं, कई बार इसको नॉर्म भी बोलते हैं। अलग अलग है, फिजिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग अलग, फिजिक्स में डिस्टेंस भी यूज कर लेते हैं, मैथ्स के एनालिटिकल ज्योमेट्री में नॉर्म बोलते हैं इसी मॉडुलस को, वहां पर इसी मॉडुलस का जो नोटेशन होता है डबल हो जाता है ऐसे ऐसे, तो नॉर्म बन जाता है। कई जगह डिस्टेंस, कई जगह एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है। दूसरा इसका अगर मैं नोटेशन कहूं तो यहां के लिए नोटेशन तो कुछ ऐसे होता है कि आपका कुछ ऐसे दो ऐसे लाइन खींच के, ऐसे दो लाइन खींच के इसके अंदर कुछ लिख दिया गया तो ये हो जाता है। और इसका मतलब ये हुआ, तीसरे नंबर पे लिखूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आउटपुट होगा ना इसका, मतलब जो यहां पे वैल्यू आएगा आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका आप पूछोगे सर जी इसका क्या मतलब, वो आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या सर जी, क्या आप कहना चाहते हो कि जैसे ये मॉडुलस 2 की वैल्यू, अच्छा कई बार इसका ये भी डेफिनेशन लोग लिखते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये भी लिखते हैं, ये भी मैं लिख देता हूं, कई बार ये भी इसकी डेफिनेशन के टर्म में रहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को भी हम बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं। पर फिलहाल में इतने सारे बस आप, ये तो बस है ना कॉपी की सजावट है, ये क्या है, क्या ये कॉपी की सजावट है, अपने को क्या याद रखना है मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, बस ये दो याद है, बाकी सब ठीक है, ये तो सजावट है, किसी को आप ऐसे फेंक दो कि वो एक आध मिनट के लिए सोच रहे उसके लिए है ये, बाकी तो आपको यही समझना है कि वैल्यू क्या देगा। तो मॉड 2 मतलब 2 सर जी, माइनस मॉड 2 क्या देगा, यहू वही देगा, ये भी प्लस 2 देगा। तो सर जी होता क्या है, अंदर का मैकेनिज्म क्या है, जानते हो एक बहुत सिंपल सी एक बात सुनो आप लोग, कि जब भी फंक्शन जहां आता है ना फंक्शन, तो फंक्शन एक तरह की मशीन होती है, क्या होता है ये एक तरह की मशीन होती है, बड़ी सिंपल, हर कोई चीज एक मशीनी है, मतलब पूरा बॉडी भी एक मशीन है, खाना देते हैं तो बहुत सारा आउटपुट निकल के आता है। तो आप एक मशीन समझो, जैसे ऐसे समझो कि जैसे सबके घरों में तो नहीं लेकिन सबने एक बात तो जानते ही होंगे कि हाँ आटा चक्की एक मशीन होती है,
या जैसे कि वो तेल निकालने वाली मशीन होती है या कुछ भी ऐसे, जैसे मान लो कि हम घर में मिक्सचर होता है वो भी एक मशीन है, तो उसका क्या है, उसका सर इससे फंक्शन से और मॉडल से क्या संबंध है? तो संबंध बस इतना सा है, जैसे देखो आटा चक्की की मशीन है, अगर उसमें आप गेहूं डालोगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, गेहूं का आटा निकलेगा। घर में जो आपका मिक्सर है या जूसर मिक्सर है उसमें अगर आपने जूस डाला, जैसे मान लो आपने उसमें डाला जूस नहीं, आपने उसमें डाला कोई, मान लो कि आपने जूस वाला कोई जैसे कि मैंगो डाला तो मैंगो शेक निकल के आया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ डाला उसमें तो आउटपुट वो देगा, और आउटपुट जरूरी नहीं है कि जो डाला वही दे। जैसे आपने मैंगो दिया, मैंगो डाला तो वो मैंगो थोड़ी रिटर्न करेगा, उसके आपको क्या, उसका जूस रिटर्न करेगा, मैंगो जूस या मैंगो शेक जो भी आप बनाना चाहो, बनाना बनाना डालो तो उसमें से निकल के आएगा बनाना शेक या बनाना का जूस निकल के आएगा। ऐसे ही वो जो मौसम्मी डालो तो मौसम्मी का जूस निकल के आएगा। तो उसमें आप डालेंगे मतलब जूसर का काम है, आप उसमें कुछ भी डालोगे कोशिश करेगा वो क्या बना के, जूस बना के बाहर देने का। तो वही ये मॉडलस फंक्शन क्या है कि इसके अंदर कुछ भी डालो ये कोशिश करेगा कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे। मतलब आप निगेटिव भी डालोगे तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव। तो सर जी जीरो का क्या ख्याल है? तो जीरो का कोई खास ख्याल नहीं है, जीरो डालेंगे तो जीरो ही देगा, जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। अगर मान लो किसी ने कहा मॉड जीरो क्या होगा सर जी, तो जीरो ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब एक और कोई पूछ सकता है कि सर मैकेनिज्म क्या हो, जैसे मान लो मिक्सर में तो मैकेनिज्म है कि अंदर घूम रहा है तो उसको मिक्स पूरा एकदम मतलब छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कर दिया जो कि जूस बन गया, यहाँ क्या होता होगा? तो सर जी अगर ये प्लस टू है तो ये सीधे सीधे प्लस टू बाहर आ गया, अगर सर जी माइनस टू है तो कैसे हुआ होगा? तो एक माइनस फिर माइनस टू, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी अभी भी बाहर आई है लेकिन चूंकि अंदर में निगेटिव था तो एक और माइनस एक्स्ट्रा लग के। अब बोलो क्या ये प्लस टू हो गया क्या? अगर किसी ने कोई पूछेगा कि सर जी माइनस फाइव कैसे आया होगा, तो माइनस ऑफ माइनस फाइव मतलब ये पूरा का पूरा तो बाहर आईबे करेगा, पूरा का पूरा तो बाहर आएगा ही आएगा, एक और एक्स्ट्रा। चूंकि मॉडुलस ने अपने को सेंस करता है, पहले मॉडुलस क्या करता है, अपना सेंस करता है कि मेरे जो इनसाइड क्वांटिटी है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर उसके इनसाइड क्वांटिटी निगेटिव है तो एक और उसको दयावान आदमी है, पूरा फुल दया है इसके पास, बहुत सारा धन पड़ा है, मतलब बहुत सारी इसके पास सिर्फ वो सबको अगर निगेटिव भी चीज होती है उसको भी धन देके पॉजिटिव करता, ले जाओ जाओ जियो जिंदा रहो, तो जाओ जियो खुश रहो अपनी जिंदगी, जा जीले जिंदगी, जा सिमरन जीले जिंदगी, दिया इसको जा छोड़ दिया, एक और माइनस देके छोड़ दिया, जा जीले अपनी जिंदगी और जीले। या तो माइनस और माइनस मिलके फिर से क्या हो गया, प्लस। इतना ध्यान रखना बेटा कि मॉडुलस बहुत ही दयावान होता है, कभी भी वो आउटपुट तो निगेटिव नहीं देगा। अगर निगेटिव खुद के मतलब खुद निगेटिव है, उसके अनसाइड क्वांटिटी निगेटिव है, तो उसको बाहर निकालते समय कहेगा कि जा जी ले जिंदगी और क्या देगा, एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देगा। कहने का मतलब है कि सर जी अगर इस केस में कोई आपसे कह दे कि सर जी ये एक्स हो गया, सर जी ये एक्स हो गया, तब हम क्या कहेंगे? तो बोलो क्या कहेगा मॉडुलस? कहेगा कि भाई इस बार तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पॉजिटिव है कि निगेटिव। कहेगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू पॉजिटिव है कि निगेटिव। कहेगा कि कोई बात नहीं, आओ हम बताते हैं, काम करते हैं, तुम्हारे साथ बुद्धि लगाते हैं। अगर तुम पॉजिटिव हुए, अगर अंदर वाला इनसाइड वाला पॉजिटिव हुए, तो कहेगा तू जैसे है वैसे निकल जाना, पॉजिटिव है दो प्लस है तो जैसे है वैसे निकल जाना, हमसे कुछ मत लेना, तुम तो ऑलरेडी फायदे में हो, तुमको हम क्या दें, ये दयावान है ना वो होता है, कौन है। तो ये आपका अगर ये इसके अंदर इसको निगेटिव दिखा, कोई गरीब आदमी दिखा, निगेटिव दिखा, देखो लेस देन जीरो, तो क्या करेगा, इसको कहेगा जाओ हमारी तरफ से कुछ धन ले लो और ये बाहर निकल जाओ। ये निगेटिव को बाहर निकाल दिया और ये आपको माइनस हो गया। अब सर जी कैसे, आप कैसे करो, जैसे मान लो ये माइनस फाइव होता तो ये माइनस बाहर निकाल के ये कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। और ये अगर अच्छा सर जी तो जीरो के लिए कहां लगाएंगे, तो चाहे यहां लगाओ या यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एक जनरल बस एक मान्यता है कि ग्रेटर देन जीरो पे लगाते हैं जीरो, हमेशा इक्वल टू लगाते हैं ताकि कोई गलतियां ना हो। अगर आप चाहो तो लेस देन पे भी लगाओ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बार अगर आप एक जगह आदत बना लो कि आप लेस देन पे लगाना चाहते हो, ग्रेटर देन पे लगाना चाहते हो, ग्रेटर देन पे लगा रहे हो तो हर बार ग्रेटर देन पे लगाना, यही आदत रहेगी तो कभी गलती से हम बचेंगे, मिस्टेक से बचेंगे। और लेस देन पे लगाएंगे, अब कभी ग्रेटर देन पे लगा रहे हैं, कभी लेस देन पे लगा रहे हैं, तो कई सवाल में हर तरह के आपके मिक्सअप हो जाएंगे, फिर आपको अलग अलग करने में बस दिक्कत होगी। बाकी कोई इसके लिए कोई रूल नहीं है कि आप ग्रेटर देन पे इक्वल टू लगाओगे या लेस देन पे लगाओगे। जीरो इक्वल टू वाला तो आपका ये दे दिया कि सर जी इसका मतलब कि एक बात हमको पता चल गई, क्या कि मॉड एक्स जब ओपन होगा तो कैसे ओपन होगा, या तो प्लस एक्स और या तो माइनस एक्स। तो सर जी आपका, अब आप ये क्यों कहोगे कि सर जी अगर हमको इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्योंकि अभी तक आपको याद होगा कि चीजों को जैसे मैंने मॉडुलस का भी मैंने ग्राफ बताया था, और हम क्लास 11th में आ गए हैं तो ग्राफ भी थोड़ा थोड़ा सीखते रहे साथ साथ। तो अगर कोई हमको y इक्वल टू मॉड एक्स दिया है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, शायद हमारा चार पॉइंट हो गया था, तीन पॉइंट हो गया था, चौथा पॉइंट है याद नहीं है मुझे, लेकिन तीन या चार पॉइंट हो गया था, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसका ग्राफ। तो अगर हम कहें y बराबर मॉड एक्स दे रखा है, तो इसको पहले सबसे पहला काम हमारा धर्म होगा कि हम कहेंगे, पूछेंगे इससे मॉडुलस, हमारा क्या मॉडुलस खुद अंदर वाले से पूछेगा कि भैया आप कैसे, आप कैसे, तो अंदर वाले बोलेंगे हम पॉजिटिव, तो बोलेगा ठीक है आप निकल जाओ, रॉबिनहुड है ये, बोलेगा आप पॉजिटिव तो आपको क्या दे। अगर अंदर वाले से पूछा आप कैसे, तो अंदर वाला कहा भैया हम निगेटिव है, रोते गिर जाते, बोला भैया हम निगेटिव है, बहुत रोते गिर जाते बोला, तो कहेगा कोई बात नहीं आप रो मत, हमारे पास बहुत धन है, एक हमसे लेके जाओ माइनस माइनस एक्स, हो गया ये बात। अब इसका हमको बनाना है ग्राफ बनाना है, देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले कुछ बातें मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना आता है आपको? अरे क्लास 10th में पढ़ लिया होगा बच्चों, y बराबर एक्स का, यह है y बराबर एक्स का ग्राफ, यह है y बराबर एक्स वाली लाइन। अगर मैं पूछूं आपसे y इक्वल टू माइनस एक्स का, तो ये आपका लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। बोलो बात समझ में आई? अच्छा अब आप कहोगे कि सर जी इसमें कहां पे क्या क्या बातें चल रही है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू इस x एक्सिस पे चलती है, और जो वैल्यू उसकी मिलती है वो y एक्सिस पे मिलती है, कहाँ मिलती है y एक्सिस पे, और वैल्यू कहाँ चलती है x एक्सिस पे। तो आपने y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना सीख गए कि इधर की तरफ बनता है y इक्वल टू x, और y इक्वल टू माइनस x इधर बनता है। ये बातें अगर याद रहे तो मैं इसी को हटा के y बराबर मॉड x बनाता हूं। देखो y बराबर मॉड x कैसे बनेगा, अब देखो ध्यान से इसी चीज को जरा देखना बच्चों, क्या हो गया कि अभी भी हमने बनाया y इक्वल टू एक्स, वही है y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस। देखो ये क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये अभी भी y बराबर x, इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है ना, इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है कि इसको लिखने वाला ये भी लिख सकता है कि y बराबर x जब x आपका पॉजिटिव है, और y बराबर माइनस एक्स जब x आपका निगेटिव है। ये एक ही बात होती है, हम लिखते हैं इसलिए इस तरह से लिखने का बस, कई बार देखो कुछ तो इतने स्मार्ट होते हैं कि एक लाइन बोलो समझ जाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि एक लाइन बोलो तो नहीं समझ में आता, थोड़ी धीरे धीरे समझ में आता है, जरूरी नहीं है कि उनका वो चीजें कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे एक ही बात को दो बार लिखा तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कमजोर हो, इसका मतलब यह कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि एक बार के लिए कि हाँ ऐसे जब जब लिखा जाएगा तो उसको हम y बराबर x और y बराबर माइनस x यहां से पढ़ेंगे डायरेक्ट, और उसके बाद यहां से ऐसे पढ़ते हुए इधर बढ़ेंगे, इधर से ऐसे पढ़ते हुए इधर बढ़ेंगे। तो एक बार के लिए मेरा लिखना आपको हमेशा के लिए, किसी एक बंदे को भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो ये देखो ये कह रहा है कि इसको जरा इसको एक बात को ध्यान से पढ़ते हैं, कह रहा है कि y बराबर x है, हम y बराबर x लाइन आंख बंद करके खींच लिए, आंख बंद करके हमने खींच लिया y बराबर x, खींच लिया हमने ये y बराबर x खींच लिया, ठीक है। अब आगे बढ़े तो कह रहा है कि
और अगर x पॉजिटिव है तो हम रुक गए, अरे हमने क्या किया, x पॉजिटिव तो यहां से x पॉजिटिव सिर्फ इधर होगा, इधर वाला तो x पॉजिटिव होगा ही नहीं, इधर वाला x पॉजिटिव नहीं होगा तो हम कहेंगे इधर वाला नहीं खींच सकते, मतलब इधर वाला मैं हटा ही दिया, क्यों डॉटेड भी क्यों रखे, इधर मैं हटा ही दिया, क्यों कह रहे कि जब x पॉजिटिव है तभी y बराबर x रहेगी। अब दूसरा हम नीचे पढ़े ध्यान से, y बराबर माइनस x, हमने देखा y बराबर माइनस x, हमने और कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ इतना ही देखा और हमने लाइन खींच दिया, y बराबर माइनस x की लाइन खींच दिया, और खींचने के बाद हमको हमने फिर आगे बढ़े तो लिखा था x निगेटिव, और x निगेटिव पढ़ते हम कहे ओहो इधर तो x पॉजिटिव वाली बात थी, x निगेटिव तो इधर होता है, ये वाला पार्ट x निगेटिव है, हमने इसको दिया मिटा, अब हमने पूरा मिटा दिया तो बना क्या, देखो तो वी शेप निकल के आया, क्या क्या आपके सामने वी शेप खड़ा हो गया, क्या देखो तो ऐसे वी शेप खड़ा हो गया, क्या विक्ट्री का साइन, तो ये जो बना है ग्राफ ना, ये जो ग्राफ बना है ये और आपका ये, यही आपका मॉड x का ग्राफ है, यही आपका y इक्वल टू, ये जो ग्राफ है ये इधर y इक्वल टू प्लस x, इधर y इक्वल टू माइनस x, यही ग्राफ आपका मॉड x का है। अब आप क्लियरली एक बात देखो, क्लियरली देखो जब ये ऊपर के, देखो ऊपर में y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे में y की वैल्यू नेगेटिव, देखो तो y की जब भी मैं कोई वैल्यू रखू, आपसे मैं मान लो पूछूं कि आप x इक्वल टू फाइव की वैल्यू बताओ, तो आप फट से x इक्वल टू फाइव यहाँ रखोगे, लाइन खींचोगे ऐसे और लिखोगे आप, अरे सर y इक्वल टू फाइव, मैं बोलो जरा बेटा y x x इक्वल टू माइनस फोर का जब वैल्यू बताओ, तो आप फट से आप x इक्वल टू माइनस फोर लिखोगे और इसके लिए ये वैल्यू निकालोगे, देखोगे तो ये फिर से ऊपर आया, ये भी x इक्वल टू यानी y इक्वल टू फोर आया, सर ये y इक्वल टू फोर कैसे आया, तो यहाँ पे पुट करो y इक्वल टू माइनस आप माइनस फोर, ये y इक्वल टू फोर हो गया, बात समझ में आई, तो देखो हमेशा y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यही होता है मॉडुलस फंक्शन और ये इसका ग्राफ है। मैं फिर से ग्राफ एक बार इसमें फालतू की चीजें हटा देता हूँ, केवल काम की चीजें रखता हूँ, काम किसी रख रहा हूं, तो देखो ये आपका मैंने हटाया सिर्फ ऐसे दिखता सुंदर दिखने के लिए है, बाकी समझने के लिए सब चीजों की जरूरत है, सुंदर सिर्फ ऐसे दिखता है, ये वाला आपका वी शेप का ग्राफ बन गया, कहां पे बना, ये x इक्वल टू जीरो पे इंटरसेक्ट किया है, जीरो कामा जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू जीरो हो गई, ये तो हुआ सर जी आपका ग्राफ आपने बना दिया। कुछ और भी बातें होंगी जो आप बताना चाहते होंगे, बिल्कुल हम बताना चाहते हैं आपको, थोड़ी और बात इसमें सीखो, जानो ग्राफ तो जानना जरूरी ही था, एक और बात जानो आप याद करो मैंने एक बात बोला था कि अंडर रूट फोर की वैल्यू सिर्फ प्लस टू होती है, मेनी ऑफ स्टूडेंट थिंक दैट कि अंडर रूट फोर मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस टू, कई बार आपके दिमाग में आता है, क्यों आता है, क्योंकि सर जी हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर बराबर चार, तो यहाँ पे एक्स बराबर प्लस माइनस टू, अरे बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा है आपने एक्स बराबर प्लस माइनस टू, बिल्कुल सही पढ़ा है कि एक्स बराबर आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस रूट फोर, तो यहां से आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस टू, यहाँ ऐसे भी हम कह सकते हैं इस चीज को कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहां से आया आपका एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू, क्लियरली दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू एक टू होगा और एक्स इक्वल टू माइनस टू होगा, तो सर जी यहां तो आ रहा है, फिर आप कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस प्लस टू होगा, या ऐसा वाली बात नहीं होगी, ये भी बात सही है, क्योंकि अंडर रूट जो हमको अगली बात बतानी है वो यही कि अंडर रूट आपको मैं पहला दिन ही बताया था कि अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अंडर रूट पांचवे नंबर का पॉइंट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा हो जाएगा मॉड एक्स, जब आप किसी भी स्क्वायर रूट किसी भी का स्क्वायर रूट यानी होल स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ध्यान रहे एक्स मॉड एक्स बाहर आएगा, जैसे अगर मैं कहूं कि x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर जी मॉड x माइनस वन होगा, अगर मैं कहूं कि अंडर रूट में वन माइनस रूट टू का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी मॉड में वन माइनस रूट टू, तो सर जी आगे अब मॉड ओपन करना होगा तो कितनी वैल्यू आएगा, तो आप पूछोगे इससे अंदर वाले से कि भैया तू निगेटिव, या मॉड खुद पूछ रहा होगा कि तू निगेटिव है कि पॉजिटिव, ये कहेगा यार हम एक है रूट टू मतलब 1.414, एक में से 1.414 निकालूंगा तो माइनस 0.414 बचेगा, मतलब निगेटिव है
अंदर वाला निगेटिव तो बोलेगा ले एक और माइनस लेके बाहर निकल जा, और ये माइनस लेके बाहर निकलेगा तो रूट टू माइनस वन, तो इसकी वैल्यू रूट टू माइनस वन होगी। ऐसा नहीं कि ऐसे आया तो आप फट से वन माइनस रूट टू लिख दे और बोले कि सर जी यही आंसर हो गया, नहीं। कभी ऐसे मान लो मिल गया कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या निकालोगे, मॉड एक्स प्लस टू, ठीक है। अच्छा इसको कोई कहेगा कि इसको जरा ओपन कर दो, तो आप ओपन कर रहे होगे कैसे, देखो कैसे ओपन कर रहे होगे, थोड़ी देर इसको देखो, ये आप यहां पे लिखे लिखोगे कि अगर ये अंदर वाला पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज निकलेगा, अगर अंदर वाला निगेटिव हुआ, अगर अंदर वाला नेगेटिव हुआ, देखो तो बच्चों यहाँ पे दिख पा रहा है आपसे, तो अगर अंदर वाला नेगेटिव हुआ तो ये एक माइनस करके निकलेगा, क्या, अगर अंदर वाला नेगेटिव हुआ तो ये माइनस करके निकलेगा, बात समझ में आ रही है, अंदर वाला नेगेटिव हुआ तो माइनस करके निकलेगा, अगर अंदर वाला आपका पॉजिटिव हुआ, देखो दोबारा मैं लिख देता हूँ बच्चों, शायद दिख नहीं रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसी चीज को, देखो आज दोबारा लिखता हूँ कि अगर हमको ये ओपन करना हुआ, क्या मॉडुलस में x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले अंडर रूट में x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो सबसे पहले x प्लस टू लेगा, दिक्कत कोई, आप बोलो नहीं सर जी बढ़िया है, आगे फिर सर जी इसको ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, तो मॉडुलस सवाल किया अंदर वाले से कि भैया आप कैसे, ये बोला हमको खुद ही नहीं पता है, हमको आधा घंटा पता है, हमको तो आपने लिख दिया, हमको क्या मालूम कि क्या हम पॉजिटिव है कि निगेटिव, हम कहे कोई बात नहीं, हम सवाल तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, सवाल आप सॉल्व कर रहे, तो आप बोले अरे चलो अगर अंदर वाला जब पॉजिटिव आओगे तो हम आपको जैसे हो वैसे बाहर लिख देंगे, क्योंकि हमको तो नंबर भी पाना है, अरे अगर अंदर वाला आपका नेगेटिव हुआ, अगर अंदर वाला नेगेटिव हुआ तो देखो यहाँ पे, अगर अंदर वाला नेगेटिव हुआ तो कैसे निकलेगा, माइनस एक्स प्लस टू करके बाहर निकल जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, तो ये आपका ओपन करने का तरीका। अभी हम पांचवें नंबर के पॉइंट तक पहुंचे, जरा और छठे नंबर के पॉइंट पे बात करते हैं, तो अब जो छठे पॉइंट पे बात करते, छठा पॉइंट आपका ये है, अगर छठा पॉइंट में लिखूं कि अगर मान लो कभी लिखा है मॉड एक्स इज इक्वल टू, तो मॉड एक्स की वैल्यू एक तो हमको पता है कि हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो अगर लिखा है मॉड एक्स इज इक्वल टू, सुनो जरा ध्यान से सुनना, टू, तो x की वैल्यू क्या क्या संभव हो सकती है, क्या x इक्वल टू प्लस टू लेने से काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, x इक्वल टू माइनस टू लेने से काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि हाँ x की वैल्यू यहां पे अगर ये हटेगा मॉड, तो सामने वाले पे प्लस माइनस टू लगेगा, अगर प्लस माइनस लग जाएगा, अगर मॉड हटेगा तो सामने वाले पे आगे वाले पे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस आके एक्स्ट्रा दे जाएगा, यही मॉड दे गया, वही रॉबिन हुड दयावान आदमी दे गया, दयावान आदमी है, तो आपका ये बन गया। अब जैसे मान लो कि आपके सामने ये है कि मान लो x mod x is equal to लिखा है, मान लो कभी आ गया mod x is equal to आपका रूट टू प्लस वन, और एक आ गया मॉड एक्स इक्वल टू रूट टू या वन प्लस, ऐसे लिखता हूं, वन प्लस रूट टू आ गया और एक आ गया वन माइनस रूट टू, और आपने क्या किया, आपने अपनी आंखें बंद रखी, क्या रखा, आंखें खुली रखी, आंखें नहीं बंद रखा, आंखें खुली रखी लेकिन दिमाग का ढक्कन बंद कर लिया, और दिमाग का ढक्कन बंद करके बोला सर जी ने बोला था कि प्लस माइनस लगा देना क्योंकि ये रॉबिन हुड होता है, सर जी ने बोला था प्लस माइनस लगा देना क्योंकि ये रॉबिन हुड होता है, और आपने अपने दिमाग का ढक्कन बंद रखना, अरे ढक्कन बंद नहीं करना है, वैसा मत समझना, ढक्कन एक ही साथ है, ढक्कन के बीच में कावा नहीं है, अरे ढक्कन बंद नहीं करना है, यहाँ पे वन प्लस रूट एक्स है तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये तो जैसे है प्लस माइनस खुल जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए सामने, लेकिन यहां पे क्या है, ये निगेटिव, और निगेटिव होते ही मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं संभव है, आप लिखोगे आगे तो छोड़ो, ये लिखना तो छोड़ो, ये पॉसिबल ही नहीं है, अरे जो चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो नहीं सकती हैं, तो जो दुनिया में हो ही नहीं सकती उसको हम आगे कैसे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये चीज नहीं लिखना है, गलती है, बात समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या पता चला सर, छठे पॉइंट में आपको, आपने निष्कर्ष क्या निकाला, छठे पॉइंट में ये निष्कर्ष निकाला
कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए है तो अगर ये वाला ए हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर प्लस माइनस ए हो जाएगा। लाइक अगर मान लो कभी लिखा मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू, अब सर ये एफ एक्स क्यों डाल लो, हमको एफ एक्स से डर लगता है, नहीं डरना है बेटा, एफ एक्स मतलब होता है वाई, तो ये है, ये अगर कभी वहां मान लो कि आपका ए है तो क्या हो जाएगा, तो ये मॉड हटेगा तो रॉबिन हुड है भैया, ये प्लस माइनस ए दे जाएंगे जब ए कैसे होंगे पॉजिटिव, आप ये बात समझ रहे होंगे। अब जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि मॉड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर लिखा है तो एक्स बताओ, हम कहेंगे हम बता देंगे एक्स माइनस थ्री अगर मैंने हटाया, एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे समझो कि एग्जांपल ले रहा हूं, हमने कहा कि एक्स माइनस अगर मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस फोर लग जाएगा, इसका दो मतलब होता है, एक्स माइनस तीन बराबर चार या एक्स माइनस तीन बराबर माइनस चार। जिस दिन x माइनस तीन बराबर चार उस दिन x बराबर सेवन, या जिस दिन x बराबर माइनस फोर तो माइनस फोर प्लस थ्री यानी x बराबर माइनस वन, तो ये दोनों ही आंसर होंगे, x बराबर सात भी आंसर है और x बराबर माइनस वन भी आंसर है। इतना ही क्यों, इतना ही क्यों, इतना ही से थोड़ी, अगर मान लो कभी आपके पास ये मिल जाए, एक और एग्जाम्पल अगर हम करें, कभी ये मिल जाए लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो अब आपको बता दो थ्री के बजाय सिक्स, अब आप बता दो कि सर जी आप बता दो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे फिर से मॉड खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स, दो काम यहां से निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू सिक्स, यहां से निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, जब इसको इधर लेके आया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स इक्वल टू इसके फैक्टर एक्स माइनस थ्री, इतना तो रट गया होगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर बताना भैया फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर जरा देखो बता दो इसके फैक्टर क्या होंगे, अरे कैसे निकाला भाई फैक्टर, अरे बाबा को याद करेंगे ना, नहीं फैक्टर मिल रहा है तो बाबा को याद किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कितना आपका वन माइनस फोर ए सी मतलब चौबीस और अपॉन टू ए, यहाँ पे अंदर साइड में निगेटिव होते ही हम कहेंगे यहाँ से नहीं निकलेगा, नो वैल्यू नो सोल्यूशन, और यहाँ से एक्स इक्वल टू तीन आया और एक्स इक्वल टू माइनस दो आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही दोनों बस आपके आंसर हो जाएंगे, बात समझ में आया, यही दो इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये तो आपके प्रॉपर्टी नंबर छह में बात कर रहे हैं, जरा आओ एक दो और चीजों पे बात करते हैं इसी में, जरा उसको नोट कर लो फटाफट, तब तक इसको इन चीजों को फटाफट नोट कर लो आप, तब तक मैं अगली बात बताता हूं। जैसे मैं अभी फोकस्ड किस बात पे हूं, मैं फोकस्ड हूं आपका एक्सपेंड मॉड एक्स टू माइनस एक्स को एक्सपेंड करने पे हूं। अगर हम आपसे कहें कि आपको टू माइनस एक्स को एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो अगर इसको एक्सपेंड करना है तो हम क्या लिखेंगे कि मॉडुलस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू, मॉडुलस पूछेगा क्या भैया अंदर वाले आप कैसे हो, ये बोलेंगे हमको नहीं पता, हम कहेंगे चलो हम बताते हैं आपको, अगर आप ग्रेटर देन जीरो हो तो टू माइनस एक्स, अगर आप कैसा लेस देन जीरो हो तो क्या हो जाओगे, लेस देन जीरो तो क्या हो जाओगे माइनस टू माइनस एक्स। पर अभी तो इधर में हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों कि इधर में हमेशा हमेशा इधर में सिर्फ एक्स एक्स होना चाहिए, एक्स 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 होना चाहिए, इतना बड़ा फंक्शन नहीं चाहिए अपने को, तो क्या हो जाएगा क्या करेंगे, कहेंगे टू माइनस एक्स, अगर टू एक्स को उधर भेज देते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, यहां कहेंगे देखो ये देखो उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा हो गया क्या, अरे माइनस टू प्लस एक्स हो गया ना, एफ एक्स को उधर भेजे तो टू लेस देन एक्स, ठीक है। अभी ये दिखने में थोड़ा ना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, जरा इसको अच्छा सा देखते हैं कि अच्छा कैसे दिखेगा ये, अच्छा देखते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहां पे ये जो है एफ एक्स यानी मॉड टू माइनस एक्स को क्या लिख देंगे हम लोग,
कि ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। देखो आप अगर इसको पूरे ऐसा कहें, कहा जाए कि 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, या ऐसा कहें कि 2 एक्स से हमेशा बड़ा है, या ऐसा कहें कि एक्स हमेशा 2 से छोटा है, इधर से पढ़े तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, तो एक्स हमेशा 2 से छोटा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स 2 से हमेशा छोटा है। या यहाँ पे देखिए 2 लेस देन एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी, x greater than 2, इधर से पढ़े तो x greater than 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, if x greater than 2 तो x minus 2। अब ये जो है लिख गया, अच्छे से लिख गया। तो क्या अभी तक हम क्या सीख रहे हैं बच्चों, क्या सीख रहे हैं, कितने चीज सीखा, कि मॉडुलस ओपन करते वक्त हम किस बात का ध्यान देंगे कि अंदर वाला फंक्शन कब पॉजिटिव और कब अंदर वाला फंक्शन निगेटिव हो रहा है। जब अंदर वाला फंक्शन जहां निगेटिव होगा वहां डायरेक्ट, जहां अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा वहां डायरेक्ट अंदर वाला उठ के बाहर आ जाएगा, और जहां पे अंदर वाला आपका पॉजिटिव होगा, जहां पे आपका अंदर वाला निगेटिव होगा, निगेटिव वहां पे एक माइनस एक्स्ट्रा देके बाहर आ जाएगा। फिर से सुनो मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूं कि जब आपका अंदर वाला पॉजिटिव होगा, जहां जिस एक्स के लिए, जो एक्स के लिए अंदर वाला पॉजिटिव तो वैसे ही बाहर, और जिस एक्स के लिए अंदर वाला निगेटिव वहां पे एक एक्स्ट्रा माइनस देके बाहर आएगा। अब जरा इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए जरा एक और हम छोटा सवाल करते हैं। देखो मान लो आपको आपको लिखना है, एक्सपेंड करना है या बाहर निकालना है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मॉडुलस से। अब सर जी हमको कैसे पता चलेगा कि कहां पे क्या होगा, पहले तो x इक्वल टू जीरो पे जीरो मिल रहा है, जैसे हमने 1 बाई टू रखा तो 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू, तो 1 बाई टू का स्क्वायर 1 बाई फोर माइनस 1 बाई टू, तो निगेटिव आ गया, मतलब सर इस बार तो माइनस देके बाहर निकलेगा। अच्छा सर जी, अच्छा और बताओ 1 बाई थ्री लिखो, 1 बाई नाइन माइनस 1 बाई थ्री फिर निगेटिव, जरा सर जी 2 बाई फोर लिखो, 2 बाई फाइव लिख लो, तो सर 4 बटा में 25 माइनस 2 बटा में 25 फिर से निगेटिव आ गया। सर जी कैसे पता करेंगे, जरा 3 रखो 9 माइनस 3 पॉजिटिव आ गया, माइनस 2 रखो 4 प्लस 2 पॉजिटिव आ गया। सर जी कैसे पता करें, हम कैसे पता करें, माइनस 1 बाई 2 रखो तो 1 बाई 4 प्लस माइनस, मतलब माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 2 तो प्लस 1 बाई 2 तो पॉजिटिव आ गया। सर जी कैसे पता करें कि अंदर वाला कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है, इसी के लिए तो इनइक्वालिटी पढ़े थे। इनइक्वालिटी क्यों पढ़े थे, कि भाई अंदर वाले को क्या करो, चुपचाप अंदर वाले को फैक्टराइज करो कि एक्स एक्स माइनस वन। देखो ध्यान से, अब ये फैक्टर यहां से एक्स इक्वल टू जीरो और यहां से एक्स इक्वल टू वन, और इसको नंबर लाइन पे लिख लो, ये आपका वन और ये आपका जीरो, फिर प्लस माइनस प्लस, कैसे डिग्री देखते हुए, सबसे राइट साइड प्लस, फिर वन आया वन की डिग्री देखा, ऑड ऑड माइनस, फिर पीछे आया जीरो की डिग्री देखा, ऑड ऑड तो प्लस हो गया। अब एक बात पता चल गई कि अगर एक्स की वैल्यू इधर और इधर रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई सी भी जीरो से छोटी कोई सी वैल्यू रख के देख लो इसमें पॉजिटिव आएगा, और एक से कोई से भी बड़ी वैल्यू रख के देख लो इसमें पॉजिटिव आएगा। मतलब सर जी इसमें और इसमें अगर एक्स की वैल्यू लेंगे तो हमेशा एज इट इज बाहर निकलेगा, और इसके बीच की कोई सी वैल्यू रख के देखो निगेटिव आएगा। तो कैसे खुल गया ये, ध्यान से देख लो, गलती यहीं से होती है कि सर जी इसका हम पता कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, कैसे खुल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जैसा है वो वैसा ही बाहर आ गया, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, देखो माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, फिर जैसा है वैसा ही बाहर आ गया, कहां से, वन से इनफाइनाइट, तो वन से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा, ये वन से बड़ा पे इक्वल टू लगेगा, और ये देखो बीच वाले में कैसा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जब आपका जीरो से बड़ा और वन से छोटा है तो एक माइनस देके खुल गया। देखो बोलो बात समझ में आई, इस बीच वाले में। अब आप कहोगे कि सर जी आप कैसे कहीं वन पे इक्वल टू लगाए हो कहीं जीरो पे इक्वल टू लगाए हो, तो मैंने क्या कहा था, सिंपली बोला था कि हम, मेरी आदत ये है कि हम ग्रेटर देन पे जीरो लगाते हैं, आपकी आदत लेस देन जीरो पे है तो यहां लगा लो यहां लगा लो, एक ही बात है, बात में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी आदत है कि जहां पे देखो वन ग्रेटर देन एक्स,
मतलब वन लेस देन एक्स, मतलब एक्स ग्रेटर देन वन, तो मैं ग्रेटर देन पे लगाया, यहाँ देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ ग्रेटर देन पे लगाया, तो मैं ग्रेटर देन पे लगाता हूँ, आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा ओपन हो जाएगा। अभी तो ये छोटा सवाल है, जरा एक और सवाल करते हैं, देखते हैं कि और वो कैसे ओपन होगा। और एक और सवाल करते हैं।